नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जब माइनर CIF को मेजर करते हैं तो आपको जो है बहुत से ऑफिस में प्रॉब्लम आती होगी, तो वो प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है वो आपको आज डिस्कस करेंगे और उसका सॉल्यूशन भी आपको देंगे दोस्तों। और माइनर CIF को मेजर बनाने का कंप्लीट आपको सॉल्यूशन देंगे, कैसी ऐसी CIF को आप जो है माइनर से मेजर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑफिसेज में आपको ये प्रॉब्लम आ रही होगी। ये प्रॉब्लम दोस्तों पिछले 3 से 4 महीने से चालू है सभी ऑफिसेज में। जो भी माइनर CIF है जब आप मेजर करते हो उसको, तो वहाँ पर आपको एरर देखने को मिलता है कि प्लीज़ एंटर मदर्स मेडन नेम, आपको बार बार ये मैसेज हाईलाइट होता है, लेकिन जब आप वहाँ पे डालने के लिए जाते हो तो वहाँ पे जो है ये ऑप्शन जो है वो हाईलाइट नहीं होता है, तो बार बार आपको ये प्रॉब्लम वहाँ पे फेस होती है। तो दोस्तों सबसे पहले बता देते हैं ये प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है। ये प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, जो ई पासबुक लॉन्च की गई है इसकी तैयारी दोस्तों 2 से 3 महीने से चालू हो रखी थी, तो तभी दोस्तों ये फ़ोन बैंकिंग और IVR की फैसिलिटी को सभी CIF में एनेबल कर दिया गया है जो इन्फोसिस टीम है उसकी तरफ से, तो जिसकी वजह से जो माइनर की CIF है वो नॉन एडिटेबल, उनमें मदर्स का जो मेडन नेम है उसको ब्लैंक रखा गया है, और जो IVR और फ़ोन बैंकिंग की जो उनकी फैसिलिटी है वो उनको एनेबल हो चुकी है। तो जब भी आप ऐसी CIF को जो है माइनर से मेजर करने की कोशिश करेंगे तो आप जो है ऐसी CIF को माइनर से मेजर नहीं कर पाएंगे, आपको बार बार सिस्टम वही मैसेज देगा। तो दोस्तों ये तो मैंने बताया ये किस वजह से हो रहा है, अभी आपको इसका सॉल्यूशन देंगे। एक तो सॉल्यूशन है आपके सीधा डायरेक्ट जो है ये जिस CIF है इसकी जो टिकट रेज करें, आप इन्फोसिस टीम को जो है टिकट रेज करके मैटर को बता सकते हैं, वो आपको इसका सॉल्यूशन देंगे। दूसरा एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है दोस्तों, वो आपके साथ जो है वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये जो मैं तरीका आपको बताऊंगा इस तरीके को भी आप फॉलो करके आप माइनर के CIF को मेजर कर सकते हैं बिना टिकट रेज करे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैं कृष्ण शाह रावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। तो दोस्तों आपको दो तरह की CIF देखने को मिलेंगी। सबसे पहले एक ऐसी CIF होगी जिसमें जो फ़ोन बैंकिंग IVR की फैसिलिटी तो एनेबल होगी, लेकिन मदर्स मेडन नेम में वहाँ पे मदर मेडन नेम ऐसे लिखा होगा, तो ऐसी CIF को आप आसानी से कर सकते हैं मॉडिफाई, तो आपको पहले वही दिखाएंगे। दूसरी CIF जो होगी उसका जो है मैं अभी जो आपको सोल्यूशन दूंगा वो ऐसी CIF होगी जिसका मदर्स मेडन नेम ब्लैंक होगा, जिसकी वजह से बार बार सिस्टम आपको मदर्स मेडन नेम फीड करने के लिए बार बार मैसेज देगा, तो उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा दोस्तों। पहले देख लेते हैं ऐसी CIF का सॉल्यूशन जिसमें मदर्स मेडन नेम लिखा हो, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको CMRC मेन्यू में जाना है, मेन्यू शॉर्टकट में CMRC टाइप करेंगे जिसमें आप मॉडिफिकेशन करते हैं, तो फंक्शन कोड में आपको वही मॉडिफाई सेलेक्ट करना है और वो CIF ID आपको यहाँ पर टाइप करनी है जो माइनर है अभी मेजर हो चुकी है, तो वो CIF ID यहाँ पर टाइप करने के बाद में आपको गो पे बटन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए आप यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे जो है सिर्फ माइनर से मेजर करने का ऑप्शन वो जो है हाईलाइट होगा जिसको आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, बाकी सभी ऑप्शन यहाँ पे ऐसे हैं जिसको आप जो है कुछ भी नॉन एडिटेबल हैं सारे, आप जो है इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे, सभी डिसेबल हो रखे हैं। तो आपको सबसे पहले जो माइनर से मेजर यहाँ पर लिखा हुआ है, माइनर यस लिखा हुआ है ना, आपको वहाँ पर नो कर देना है। तो माइनर पर जब आप नो करेंगे तो भी जो ये सारे ऑप्शन है ये नॉन हाईलाइट रहेंगे, आपको डिसेबल ही रहेंगे, तो आपको यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए फ़ोन बैंकिंग फैसिलिटी यस है और मदर्स मेडन नेम में लिखा है मदर्स मेडन नेम, तो सबमिट वे बटन पे आपको क्लिक करना है, इसलिए यहाँ पे मैसेज जो है मदर्स मेडन नेम डालने का आपको नहीं आएगा। तो अभी देखिए यहाँ पे सबमिट पे बटन पे क्लिक करने के बाद एरर आएगा और तब यहाँ पे जो है सभी ऑप्शन हाईलाइट हो जाएंगे, आप यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट्स को फीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो है मेजर जो हुआ है उसका पैन कार्ड आपको यहाँ पे टैक्स डिटेल्स में पैन कार्ड अवेलेबल और पैन कार्ड डाल के वहाँ पे नंबर उसको वैलिडेट कर देना है, और उसके बाद जो एनेबल फ़ोन बैंकिंग IVR की फैसिलिटी है उसको नो कर देते हैं। चाहे तो आप इसको यस भी कर सकते हैं ताकि वो अपने अकाउंट्स की जो भी डिटेल्स हैं उसको ई पासबुक से चेक कर सके। तो यहाँ पे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स पे TDS NR आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में जो पैन कार्ड है आपका उसको वैलिडेट कर देना है। नीचे आप देख सकते हैं स्क्रॉल करके जाएंगे तो उसको पैन कार्ड वैलिडेशन का ऑप्शन है,
तो सभी दोस्तों जो ये इसकी डिटेल्स हैं सभी हाईलाइट हो जाएंगी, आप इसको अभी चेंज कर सकते हैं अगर आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी उनका चेंज करना है तो। डॉक्यूमेंट्स अगर कि उस CIF में डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो डॉक्यूमेंट्स अगर आप ऐड करना चाहें तो एक्सपेंड के ऑप्शन पर क्लिक करके पहले वाले डॉक्यूमेंट जो रहेंगे उसका प्रेफर्ड फ्लैग नो कर देना है और डिलीट के जो चेकबॉक्स रहेगा उस पर टिक कर देना है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट टाइप में एड्रेस प्रूफ, डॉक्यूमेंट कोड में आधार, यूनिक आईडी में उसका आधार कार्ड नंबर, UID ऑथेंटिकेटेड में यस और प्रेफर्ड फ्लैग यस कर देना है आपको। उसके बाद में दोस्तों सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सिर्फ सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो सबमिट के बटन पे क्लिक करने के बाद में आपकी जो CIF है ये मॉडिफाई हो जाएगी, बस आपको इसको CIF को सुपरवाइज़र में जाके वेरीफाई करवा लेना है। तो ये जो सॉल्यूशन मैंने आपको दिया है ये सिर्फ ऐसी CIF के लिए है जिसमें IVR फ़ोन बैंकिंग की फैसिलिटी तो एनेबल थी लेकिन मदर्स मैडन नेम बिल्कुल ब्लैंक नहीं था। उसमें जो है मदर्स मैडन नेम में ऐसे लिखा था मदर्स मैडन नेम, इस वजह से आपको वो मैसेज नहीं आया मदर्स मैडन नेम का। तो अभी तो आइए दोस्तों जो सेकंड टाइप मैंने आपको बताई थी उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो जो सेकंड टाइप थी जिसमें कस्टमर की CIF में जो माइनर से मेज़र करना है उसमें मदर्स मैडन नेम का बार बार मैसेज जो है हाईलाइट होगा, तो उस केस में आपको क्या करना है। तो दोस्तों जब सिस्टम आपको बार बार मदर्स मैडन नेम डालने का वहाँ पे मैसेज दे और जो मदर्स मैडन नेम है वो ऑप्शन नॉन एडिटेबल हो तो आपको सिर्फ वहाँ पे नीचे कैंसिल के बटन पे सिर्फ एक बार क्लिक कर देना है और फ्रेश आपको CMRC ओपन करना है। तो वही फंक्शन में आपको मॉडिफाई रखना है और CIF ID में वो CIF ID आपको सेलेक्ट कर लेनी है। और जैसे ही आप यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे तो आपको बॉटम में राइट हैंड साइड में आपको जो प्रोसेसिंग की विंडो दिखेगी, तो ये विंडो 3 बार प्रोसेसिंग आपको होती हुई दिखेगी। तो आपको जो सबसे लास्ट में प्रोसेसिंग होगी उसको जो है क्लोज कर देना है। लास्ट वाले का जो कैंसिल का बटन आपको दिखेगा उसको आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है। देखिए दोस्तों अभी आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे बॉटम साइड में देखिए जब प्रोसेसिंग की विंडो आएगी, देखिए फर्स्ट प्रोसेसिंग की ये आई, उसके बाद में ये सेकेंड और ये थर्ड। तो ये थर्ड वाली जब आएगी आपको यहाँ पे जो क्लोज़ का बटन दिख रहा है आपको इसको माउस से प्रेस करके इसको क्लोज़ कर देना है। तो जब आप इसको क्लोज़ कर देंगे तो तभी आपको ये जो है दोबारा से ऐसी स्क्रीन आ जाएगी, तब आपके जो ये ऑप्शंस हैं तब ये हाईलाइट हो जाएंगे, तब आप इसको जो है जो तो जहाँ पे माइनर लिखा होगा वहाँ पे यस होगा, पहले वहाँ पे नो पे टिक करेंगे और उसके बाद आपको सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। बाकी की जो डिटेल्स हैं वो सारी जो मैंने पहले आपको प्रोसीजर बताया था वैसे ही नॉन एडिटेबल से एडिटेबल हो जाएंगी, तब जाके आप उसको एडिट कर सकते हैं। तो ये जो तरीका मैंने बताया दोस्तों ये सेकेंड मेथड ये है जब आपकी CIF बार बार मैसेज दे आपको मदर्स मैडन नेम डालने के लिए। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ये जो है 3 टाइम्स की प्रोसेसिंग जो होगी उसमें लास्ट वाली जो प्रोसेसिंग विंडो आएगी उसको आप क्लोज करके बाकी ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अपनी किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।